नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर स्वाति नायक, कंसल्टेंट यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट एट इटरनल हॉस्पिटल जयपुर. इटरनल हॉस्पिटल इज द ओनली JCI एक्रेडिटेड हॉस्पिटल इन राजस्थान स्टेट. जैसे कि गर्मी का सीजन चल रहा है तो हम हमारे OPD में काफ़ी मात्रा में पेशेंट्स देखते हैं जो पथरी की बीमारी के पीड़ित होकर आते हैं. पथरी की बीमारी तो साल में कभी भी हो सकती है, लेकिन इस समय जबकि गर्मी होती है तो पानी पीने की कमतरता की वजह से कभी कभी पेशेंट्स इनसे पथरी के सिम्टम्स के साथ इन सीजन में ज़्यादा आ जाते हैं. तो अगर पथरी का सिम्टम क्या है जानना चाहें तो मोस्ट कॉमन होता है सिवियर पेन, बहुत तेज़ पेन जो आपके पेट के पीठ के कमर के हिस्से में से शुरू होते हुए पेट के निचले हिस्से तक रेडिएट हो सकता है. साथ साथ आपको पेशाब बार बार करने का सिम्टम आ सकता है, पेशाब में कभी थोड़ी जलन हो सकती है या खून भी दिख सकता है. तो इस तरह का सिवियर पेन तभी उठता है जब स्टोन किडनी से निकलकर पेशाब की नलकी में कहीं आके फंस जाता है और पेशाब के बहाव में रुकावट कर देता है. तो इस तरह के पेन के साथ जब पेशेंट्स इमरजेंसी में आ जाते हैं तो पहले तो हम इलाज मेडिसिन से पेन रिलीफ के लिए ही अटेम्प्ट करते हैं. और अगर स्टोन छोटा हो, लेस देन 5 मिलीमीटर्स या 5 से 7 मिलीमीटर तक का स्टोन हो, तो मेडिकल मैनेजमेंट के साथ ही ये स्टोन पेशाब के रास्ते से निकल भी सकता है. अगर स्टोन का साइज बड़ा हो या कभी कभी उन स्मॉल स्टोन्स भी अटक जाते हैं और इन तरह के पेशेंट्स में हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट का एडवाइस करना पड़ता है. अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इतने आ गए हैं कि ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा ऑलमोस्ट 99% कह सकते हैं कि इलाज स्टोन का इलाज एंडोस्कोपिकली या दूरबीन के द्वारा ही होता है. ओपन सर्जरीज फॉर स्टोन ट्रीटमेंट एक रेयर या बहुत ही अनसीन प्रोसीजर्स हो रहे हैं. जैसे कि अगर स्टोन किडनी में है तो हम उसके लिए PCNL यानी कि परकिटनेस नेफ्रोलिथोटमी, जहां हम किडनी में डायरेक्टली छेद करके स्टोन को निकाल लेते हैं, या फिर RIRS मतलब एक दूरबीन के द्वारा हम किडनी के अंदर तक देख के लेजर से कम्प्लीटली स्टोन को पाउडर करके निकाल सकते हैं. अगर स्टोन नलकी में फंसा हो तो यूरेट्रोस्कोप की मदद से URS नामक प्रोसीजर से हम उस स्टोन को तोड़ के पीसेस को क्लीन आउट कर लेते हैं. अगर कभी कभार स्टोन पेशाब की थैली में हो तो उसे भी हम दूरबीन के द्वारा तोड़ के पेशाब की थैली से भी स्टोन को कम्प्लीटली निकाल सकते हैं. तो स्टोन के ट्रीटमेंट्स ज़्यादातर इस तरह से एंडोस्कोपिकली होते हैं और कभी कभार हमें लैप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट भी करने पड़ सकते हैं, जहाँ पे भी दूरबीन के द्वारा लैप्रोस्कोपिक पाइरोलिथोटमी या यूरेथ्रोलिथोटमी से हम स्टोन्स को निकाल सकते हैं. स्टोन में बहुत इंपॉर्टेंट है रिकरेंस प्रिवेंट करना, स्टोन से बार बार नेक्स्ट रिकरेंस से बचना. इसमें इंपॉर्टेंट माना जाता है पानी. हम दिन में पानी को मेजर करके तो नहीं पी सकते हैं, लेकिन हम पानी इतना पिए कि हमारा यूरिन हमेशा ही साफ या क्लियर रहे. साथ साथ सडन फूड्स जैसे कि हाई प्रोटीन कंटेनिंग फूड्स हो, जैसे कि लाल मांस हो और प्रोटीन कंटेंट वेजिटेबल फूड्स में ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट हो, इसे हम अवॉइड करें. साथ ही नींबू पानी बहुत ही अच्छा माना जाता है स्टोन्स के रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए. हमने बहुत पेशेंट्स को देखा है जो अपने स्टोन्स को निग्लेक्ट करते हैं, काफ़ी सालों से या महीनों से उसे लेकर चलते हैं, और उसके लिए हम वजह बताते हैं कि बिजी लाइफ या फिर बच्चे, छोटे बच्चे जिनके स्कूल की प्रॉब्लम्स की वजह से हम नहीं आ पा रहे हैं. तो इन तरह के पेशेंट्स से हम एक बताना चाहेंगे कि अब समर हॉलीडेज हैं तो आप इन प्रोसीजर्स को अगर आपने आज तक नज़रअंदाज करके अवॉइड कर रहे हो तो उन्हें आप प्लान तरीके से समर वेकेशंस में कर सकते हैं.